कल हमने पढ़ा था नागराज स्टाइल और द्रविड़ियन स्टाइल के बारे में। साउथ इंडियन में नागराज स्टाइल के मंदिर होते हैं, जबकि साउथ नॉर्थ में नागराज स्टाइल के मंदिर होते हैं और साउथ में द्रविड़ियन स्टाइल के मंदिर होते हैं। वेल एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल बिल्ट इन दिस स्टाइल इज द केंद्रीय महादेव टेम्पल बिल्ट बाय द चंदेरी एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बना केंद्रीय महादेव का जो मंदिर है वो आपके नॉर्दर्न नागड़ा स्टाइल का मंदिर है। दिस टेम्पल है द लॉर्ड शिवा द मेन डाइटी एंड हाई शिखरा अलोंग विद द मेनी स्मॉलर वंस। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे शिखर, देखिए एक बड़ा शिखर है। द टेम्पल हैज मैग्निफिशियंट स्कल्पचर्स टू। इसके अलावा वहां पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। सम अदर नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल इंक्लूड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, द सन टेम्पल एट कोणार्क एंड द दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू। ओके, ये आपके नागड़ा स्टाइल के मंदिर है। अब द्रविड़ियन स्टाइल इज रिफ्लेक्टेड इन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडियन। द पल्लवा द चोला हैव बीन एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट टेम्पल। एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ियन स्टाइल प्रोजेक्ट इन द रॉक कट टेम्पल ऑफ द पल्लवास, द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द द्रविड़ियन स्टाइल दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा हैज वेरी लार्ज कोर्टयार्ड एंड एंड इट हैज अ टावर विच इज लाइक अ पिरामिड। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, इस तरह के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ियन स्टाइल के होते हैं और हमारे यहाँ के जो मंदिर है वो तो आपने देखे हुए कैसे हैं। द टॉप ऑफ द टेम्पल इज मेड फ्रॉम द सिंगल ब्लॉक ऑफ द रॉक, एक चट्टान के टुकड़े से ऊपर का पार्ट बनाया जाता है। द कॉरिडोर हैव सम फाइन स्कल्पचर, जो कॉरिडोर होता है उसमें छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं। गर्भगृह इज रीच्ड, गर्भगृह इज रीच्ड थ्रो अ कॉरिडोर, कॉरिडोर के बाद थ्रो हम गर्भगृह तक पहुंचते हैं। द टावर अबव द गर्भगृह इज नोन एज अ विमाना, जो गर्भगृह के ऊपर टावर होता है उसको विमान कहते हैं। द कोर्टयार्ड इज इनक्लोज विद द गेटवे कॉल्ड गोपुरम, और जो कोर्टयार्ड जो आंगन होता है वो गेटवे से लगा हुआ होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। सम अदर एग्जाम्पल बिलोंगिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ साउथ इंडिया आर कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ड बाय द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, शोर टेम्पल एट द महाबलीपुरम एंड द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल अगर आप फोटो देख लो वो आपका द्रविड़ियन स्टाइल है। वॉटर कंजर्वेशन, द रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया हैड अ कीन अवेयरनेस अबाउट वॉटर कंजर्वेशन। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सीलेंट मीन्स ऑफ वॉटर कंजर्वेशन इज द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन द डेक्कन। वॉटर वॉज सप्लाइड फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर थ्रो इन एडिक्वेट बिल्ट बाय देवराज फर्स्ट टू सप्लाई वॉटर टू द विजयनगर किंगडम। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मिडिवल पीरियड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथिंग फाउंटेन्स और द हमाम टेम्पल हैड अ टैंक विच प्रोवाइड वॉटर फॉर रिलीजियस पर्पजेस। जो मिडिवल पीरियड के मिडिवल इंडिया के जो रूलर्स थे उन्होंने पानी को बचाने के लिए जागरूकता दिखाई, इसके लिए उन्होंने वॉटर कंजर्वेशन के लिए सुदर्शन झील का इस्तेमाल किया। सुदर्शन झील का इस्तेमाल किया और सुदर्शन झील बनवाई गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके अलावा डेक्कन में वाटर सप्लाई के लिए तुंगभद्रा रिवर से एक एक्वेडक्ट बनवाया गया, देवराज फर्स्ट के द्वारा एक्वेडक्ट कहा जाता है। एक सेकेंड, कंडवित
यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, इसको हम कैनाल कह सकते हैं, टनल कह सकते हैं, उसमें ब्रिजेस होंगे, ठीक है, यानी एक ऐसा एरिया ब्रिज के थ्रू, एक नहर कह सकते हो उसे आप छोटी, वो बनवाई गई तुंगभद्रा से कनेक्ट करके देवराज फर्स्ट ने, जिससे विजयनगर किंगडम जो था उसको पानी मिल सके। अनदर स्ट्रैटेजिक फीचर था कि बाथिंग के लिए फाउंटेन्स का यूज किया जाता था या हमाम का यूज किया जाता था, और टेम्पल्स में जो टैंक्स होते थे वो रिलीजियस पर्पस पे नहाने के लिए यूज होते थे। बावली, स्टेप वेल, बावली, बावली स्टेप वेल नाम से पता चल रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग वॉटर हैज एग्जिस्टेड सिंस हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से ही पानी को सुरक्षित करने के लिए ये जो परंपरा है चली आ रही है पानी को सुरक्षित करने की। द मिडिवल पीरियड इन हिस्ट्री सॉ द ग्रोथ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बावली, और इतिहास में बावली की ग्रोथ देखी जा सकती है। स्टेप वेल्स आर वेल इन स्टेप वेल्स, जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं वो पानी के कुएं होते हैं, सीढ़ीदार होते हैं, उनमें डिसेंडिंग में सीढ़ियां होती हैं नीचे जाती हुई। दीज वेल्स आर जनरली सराउंडेड बाय मल्टी स्टोरी ओपन पवेलियन, इनमें पवेलियन होता है चारों तरफ मल्टी स्टोरी, जैसा पिक्चर पे देख रहे हैं पवेलियन, जानते हैं ना ऐसे ऐसे करके ब्लॉक बने होते हैं, जैसे स्टेडियम में पवेलियन होती है वैसे यहाँ पर भी होते हैं। इसके अलावा एलोबरेट और स्टोरी ओपन पवेलियन विद एलोबरेट ऑर्नमेंटेशन ऑफ कॉलम, उसपे कॉलम बने होते हैं जैसा कि मतलब ब्लॉक कटे होते हैं, बैरक्स एंड बीम्स होते हैं। वन ऑफ द अर्लियर एग्जिस्टिंग टिप वेल वॉज बिल्ट इन 11th सेंचुरी इन गुजरात, गुजरात में एक बावली है जो 11th सेंचुरी में बनाई गई थी। स्टेप वेल डिफर फ्रॉम टैंक एंड वेल, और ये टैंक और वेल से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें सीढ़ियां होती है जाने के लिए पानी के लेवल तक, एज देयर आर स्टेप दैट लीड टू द वॉटर लेवल, पानी के जहां तक लेवल होता है वहां पर सीढ़ियां हो जाती है। एज देयर आर दिस मेक टू इजियर टू रीच द ग्राउंड वाटर एंड मेंटेन एंड मैनेज द क्लीनिंग ऑफ द वेल, और इसे पानी को सेव भी कर सकते थे और मेंटेनेंस भी बना रहता था ग्राउंड वाटर का, और पानी की उस कुएं की सफाई भी हो जाती थी। स्टेबल रैंप्स वर बिल्ट टू अलाउ द कैटल टू रीच द वाटर, इसके अलावा रैंप होते थे, रैंप जानते ना वो आदमी लोग तो सीढ़ी से जाएंगे बट जानवर कैसे जाएंगे उस पानी तक, उनके लिए रैंप होता था, रैंप वॉक करते थे वे एनिमल्स, कैटल जाते थे और पानी तक पहुंचते थे, यानी कि एक फ्लैट सरफेस जैसा होता था जहां पर पानी रहता होगा और जानवर जाके उसको पीते होंगे, तो इन दैट टाइम मिडिवल पीरियड में जानवर रैंप वॉक करते थे। इन द स्टेप वेल द बिल्डर डग डीप ट्रेंचेस, जो बिल्डर होता था जो बनाने वाला होता था वो गहरी खाइयां खोदता था, अर्थ पर डिपेंडेबल ईयर अराउंड ग्राउंड वाटर, पानी के चारों तरफ मतलब गहरी खाइयां खोल दी जाती खोदते थे। दे लाइंड द वेल्स, दे लाइंड द वॉल्स ऑफ दीज ट्रेंचेस, और उन के चारों तरफ खाइयां होती थी, खाइयों के चारों तरफ दीवार बनाते थे विद ब्लॉक ऑफ स्टोन्स विदाउट मोर्टार, मोर्टार जैसे आज के समय में सीमेंट यूज होता है उस समय पर मोर्टार यूज होता था, एक उसको चिपकाने के लिए मटेरियल था ये, ठीक है, विदाउट मोर्टार के ब्लॉक ऑफ स्टोन्स खड़े कर दिए जाते थे जैसा कि सामने पिक्चर पर आप देख रहे हैं, क्रिएटेड स्टेयर्स लीडिंग डाउन टू द वॉटर, और फिर सीढ़ियां होती थी जो पानी तक जाती थी। इससे वेल यूजली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता था ये बावली, वर्टिकल शाफ्ट में जिसमें वॉटर इज ड्रॉन एंड सराउंडिंग इंक्लाइड सब टेरन पासेज अवे, वर्टिकल शाफ्ट होता था जिसमें पानी आता था ड्रॉन, जिसमें पानी गिराया जाता था और फिर उसके चारों तरफ इंक्लाइंड सबटेरन होता था जो पासेज होता था जिससे पानी बहता था। चैम्बर एंड स्टेप विच प्रोवाइड एक्सेस टू द वेल, चैम्बर और सीढ़ियां होती थी जिससे कुएं तक आसानी से पहुंच सकते थे।
गैलरी चैम्बर सराउंडिंग दी वेल्स वर ऑफन कर्व्ड प्रोफेसली विद एलिबरेट डिटेल एंड बिकेम कूल क्वाइट रिट्रीट्स ड्यूरिंग द हॉट समर। इसके अलावा जो वहां पे कमरे या जो बरामदे गैलरियां होती थी वो भी बिल्कुल ठंडी रहती थी गर्मियों के मौसम में, उनको ऐसा बनाया गया था। स्टेप वेल ऑल्सो सर्वड अ लेदर पर्पस, और जो बावली होती थी उनको लेदर पर्पस यानी कि विलासिता के लिए भी यूज किया जाता था, एज वेल एज प्रोवाइडिंग वाटर पानी देने के अलावा। जैसे स्विमिंग पूल क्या है आज के समय में, वाटर पार्क क्या आपका लेदर टाइम वहां पे जाते हो आप यूज के लिए, वैसे वहां पर है। द बेस ऑफ द बेल प्रोवाइड रिस्पाइट फ्रॉम द डे टाइम हीट, और जो दीवारें होती थी वो दिन की गर्मियों को वो रिस्पाइट कर देती थी, मतलब बाहर कोई वो अंदर नहीं आने देती जिससे वो कमरे या पानी गर्म हो, ऐसा नहीं होने पाता था। दे सर्व्ड एज अ प्लेस ऑफ सोशल गैदरिंग, इसके अलावा वो सामाजिक जो लोग इकट्ठा होते हैं ना सामाजिक तौर पे उसके लिए एक जगह होती थी। रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वहां पे, वुमेन वुड गैदर नियर द स्टेप वेल्स एंड ऑफर गिफ्ट टू द गॉडेस ऑफ द स्टेप वेल टू सीक हर ब्लेसिंग, और औरतें जो होती थी वो उसके किनारे इकट्ठा होकर एक दूसरे को गिफ्ट एंड ऑफर गिफ्ट टू द गॉडेस, जो बावली की देवी होती थी उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको डिफरेंट तरह के गिफ्ट देती थी। नंबर ऑफ स्टीप वेल आपको कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। अग्रसेन की जो बावली है, उग्रसेन की देखी है आपने ना, उसको देख के क्या वही चीज सेम है, आप उसको अगर देख सकते हो तो देख लो, बावली का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी अग्रसेन की बावली, राजाओं की बावली, न्यू दिल्ली में एक और है चांद बावली इन अबनेर नियर जयपुर राजस्थान, दादा है हरेर, हरेर का कुआं जो है जिसको कहते हैं वो अहमदाबाद में है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा देखने जाओ तो वहां पर भी बावली देखने को मिलती है। रूलर शाहजहां हैज बीन राइटफुली कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मुगल एरा, शाहजहां को मुगल एरा का कलाकार संरचनाकार कहा जाता है क्योंकि उसने वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स बनाए, मटेरियल और प्रीशियस जेम्स का यूज किया। ताजमहल म्यूजियम बिल्ड उसने क्यों बनवाया सबको पता है, यमुना के किनारे आगरा में अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स को उसने वहां पर लगवाया। ताजमहल विद द इनले टेक्निक नन एज ए पिट्रा डूरा, इसे पिट्रा डूरा की टेक्निक पर बनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1983 में ले लिया गया था। मोस्ट स्प्लेंडेड म्यूजियम है ये, बहुत ही अनोखा मस्जिद कह सकते हो, बहुत ही अनोखा मकबरा है ये। मोती मस्जिद, इसे पर्ल मॉस्क्यू भी कहा जाता है, आगरा के किले के पास है जो शाहजहां ने बनवाई थी। इट इज बिलीव दैट शाहजहां बिल्ट दिस मॉस्क्यू फॉर हिज रॉयल कोर्टियर्स टू यूज अ प्लेस टू ऑफर प्रेयर, अपने जो दरबारी थे उनकी प्रार्थना के लिए, उनके जो रॉयल वफादार दरबारी थे उनको प्रार्थना करने के लिए उसने मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। शाहजहानाबाद शाहजहां की कैपिटल थी पहले की, ये भी स्किल्ड आर्टिस्ट और मैसन्स के द्वारा बनवाई गई। सच एज मोती महल, रंग महल इस शहर के अंतर्गत आते हैं। दीवाने खास वॉज एन ऑर्नामेंटल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड विद वेरियस पीसेस स्टोन, इसके अलावा दीवाने खास नाम की जो जगह है वो भी वहां पर भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टोन लगे हुए हैं, वो भी शाहजहानाबाद शहर के अंदर आता है, शाहजहानाबाद आगरा में शहर आता है। जामा मस्जिद सबको पता है दिल्ली में है ये मॉस्क्यू, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। फर्स्ट थ्री स्टोरीज ऑफ द जामा मस्जिद आर बिल्ट रेड स्टोन, शुरू की तीन मंजिलें जो है वो रेड स्टोन से बनी है, बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ जो है बलुआ पत्थर से बनी है। इंट्रीक्रेट कर्विंग एंड द वर्जन ऑफ द कुरान, इसके अलावा उसमें बहुत अच्छे से कर्विंग है और
कुरान की लाइनें वहां पर लिखी हुई है। डेकन में गोल गुंबज है जो आदिल शाह ने बनवाया था, सेवन रूलर ऑफ द बीजापुर था, अमेजिंग आर्किटेक्चर है, वंडरफुल है ये। इट इज अ स्क्वायर स्ट्रक्चर मेड बाय द ग्रे बेसाल्ट, और स्क्वायर स्ट्रक्चर है, ग्रे बेसाल्ट से बनाया गया है। स्टार डॉम है, ऑक्टागोनल टावर। दिस बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय द फोर डोम ऑक्टागोनल टावर। ईच टावर हैज अ सेवन स्टोरी ओपनिंग टू अ राउंड गैलरी। दिस गैलरी इज कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। एज अ सिंगल साउंड मेड कैन बी हियर फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जो गोल गुंबज है उसकी खासियत है उसको फुसाने वाली गैलरी भी कहा जाता है, यानी आप इसके एक किनारे पर शोर करोगे और दूसरे छोर पर गैलरी के वो शब्द सुनाई देगा, ठीक है। और फोर डोम है यानी कि जो चार गुंबद है वो ऑक्टागोनल टावर है, यानी आठ का शेप देते हैं, और सेवन स्टोरी है, और जो खुलती है तो ओपन राउंड गैलरी में खुलती है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्टाइल, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई जा रही है वो है कि मुगल्स ने अपनी जो भी बिल्डिंग बनवाई है वो नदी के किनारे बनवाई है, और उनने गार्डन जरूर बनवाया है उनके सेंटर में या तो उनके साइड में, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसके अलावा फ्यूजन क्या था, फ्यूजन था इस्लामिक आर्किटेक्चर पर रीजनल स्टाइल का प्रभाव था। एविडेंट आपको बीजापुर और गोलकुंडा में देखने को मिल सकते हैं। मुगल बिल्डिंग्स हैड अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड द नेटिव इंडियन स्टाइल। उनकी जो बिल्डिंग्स है उस पर आपको पर्शियन प्रभाव और इंडियन स्टाइल का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मुगल इन्वाइटेड पर्शियन आर्टिशियन, उन्होंने पारसी कलाकारों को बुलवाया, संरचनाकारों को बुलवाया, मिस्त्रियों को बुलवाया, मूर्तिकारों को बुलवाया और उन बिल्डिंग्स को डिजाइन करवाया। रीजनल आर्किटेक्चर ऑल्सो फ्लोरिस्ट, जो प्रादेशिक कलाकार थे उनको भी मौका दिया गया, उनको भी बढ़ावा दिया गया। किंगडम ऑफ बंगाल और डेक्कन में ऐसी यूनिक स्टाइलें देखने को मिल सकती हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल राजस्थान, गुजरात और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में भी देखने को मिल सकती है। आर्किटेक्चर का अंत, कलाकारी संरचनाकारी का अंत। औरंगजेब के शासन काल में कलाकारी संरचनाकारी का अंत हुआ। ब्रिक एंड रबल बिगेन टू रिप्लेस स्टोन एंड मार्बल, पत्थर और संगमरमर की जगह ईंटों ने ले लिया, विच वॉज हाईली प्रिवेलेंट इन अर्लियर मुगल आर्किटेक्चर टू बैक सीट। और जो पत्थर और संगमरमर का काम था वो पिछड़ गया। द बिल्डिंग दैट वर मेड बाय ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन वर replicas and imitations of the architectural structure made in the past. पुरानी जो बिल्डिंग है बनी हुई उन्हीं की नकल उसने करवाई। और सफदरजंग का जो टॉम है वो 1753 में कंप्लीट हुआ था। बोर्ड ऑफ स्टार रिजेंबलेंस ऑफ हुमायूं टॉम, जिसको देखकर आपको हुमायूं के मकबरे की याद आएगी जो दिल्ली में हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। मोनूमेंट्स के थ्रू हिस्ट्री, लक्ष्मी इसको पढ़ना जरा। स्टडिंग मोन्यूमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइम पीरियड इन विच द मोन्यूमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड। मोन्यूमेंट ऑफर अस अ ग्लिम्पस इनटू द पास्ट। वी अंडरस्टैंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। डिटेल्ड, आप अपनी बुक पर देख के पढ़ लो, बुक पर द डिटेल्ड कैरिविंग्स एंड मैसिव कंस्ट्रक्शंस इंडिकेट दैट द रूलर हु बिल्ट देम लिव्ड लेविश लाइफस्टाइल। दे आल्सो मिरर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। द मटेरियल यूज्ड, द कार्विंग एंड कैलीग्राफी ऑन द वॉल्स highlighted the architect artistic skill of the period. Many buildings were important in helping us understand the culture and religious practices of the times. The
Marcus temples and mosque built in the medieval period suggest the importance the ruins give to religion. At times, the monuments help to convey political information. Detail about the military companion of a ruler are often inscribed on the monument's wall. Some monuments also have the date of construction written on them, which is useful in reconstructing history. We can see this is Akbar Buland Darwaza, which he built to commemorate his victory over Gujarat. यानी कि कहा जा रहा है जो मोनूमेंट बनवाए जाते थे जो मोनूमेंट्स होते थे वो पुराने समय की आपको झलक दिखलाते थे, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ समझ सकते थे. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन होता था उससे उनकी जो विलासिता पूर्वक जीवन था उसके बारे में पता चलता था. दे ऑल्सो मिरर द इकोनॉमिक्स. के अलावा इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता था. मटेरियल जो यूज किया जाता था, जो कर्विंग थी, जो कैलीग्राफी थी, वो उस वक्त की कलाकारी को बताती थी. यानी कि कैसी कलाकारी उस वक्त के कलाकार कर सकते थे वो बताते थे. फिर इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जो कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिस जो उस वक्त की थी उनको समझने में भी हेल्प करती हैं. मॉस्क्यू जो बनवाए गए वो रूलर्स पीरियड सजेस्ट द इम्पोर्टेंस द रूलर गेव टू रिलीजियंस. उसमें धर्म की महत्वता को समझाने के लिए भी बहुत लोगों ने बिल्डिंग्स और मॉस्क्यू बनवाए. कुछ मोनूमेंट जो थे वो पोलिटिकल इंफॉर्मेशन को, जैसे अशोक का था, उन्होंने धर्म का विस्तार करने के लिए, वो धम्मा का विस्तार करने के लिए अशोका पिलर जो है वो बनवाया. उसी तरह कुछ मिलिट्री कैंपेनिंग के बाद भी मॉन्यूमेंट बनवाए गए जिन पर उनके बनवाने की डेट लिखी जाती थी और वो किस लिए बनवाए जा रहे हैं, किस ओकेजन से वो लिख दिया जाता था. जैसे अकबर का बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी उस जीत के जश्न में उसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में बनवाया. गॉथिक आर्किटेक्चर पढ़ लेना, ठीक है, और एक्सरसाइज है जो आपको, चलिए कर लेते हैं. अलाई दरवाजा वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी कर लीजिए, डेट डाल दीजिए आज. अलाउद्दीन ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी. खजुराहो टेंपल पर बिल्ट बाय बताते चलो. गुजरात इससे बुलंद दरवाजा किस लिए बनवाया गया था. इसमें बहुत एक्सटेंसिवली यूज ऑफ शाहजहां व्हाइट मार्बल. अरे इज एग्जांपल ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर. टेम्पल कुतुब इस्लाम है, ठीक है, तो कुतुब मीनार बुक से देख के लिख लेना. कुतुब मीनार इन द नॉर्थ नागड़ा स्टाइल. ओके चंद्रगुप्त मौर्य. और यहाँ पर yeah.
ठीक है, कुतुब मीनार, नागरा, जामा मस्जिद, शिवा, चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन क्यों यूज किया जाता था, बुक पर लिखा हुआ था कि पानी को वो टॉपिक पे था, उसको रीड करेंगे मिल जाएगा। गर्भगृह क्या था, जहां पर श्राइन या डाइटी होती थी। मोती मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां ने। दो बिल्डिंग्स का नाम लिखना है जिनमें फ्यूजन आपको जिससे फ्यूजन ऑफ स्टाइल मिलेगा, तो दिया होगा फ्यूजन स्टाइल वाले टॉपिक पर। और गार्गोयल क्या है, तो गार्गोयल एक बार देखना होगा हमें, गार्गोयल क्या है। और ये गोथिक आर्किटेक्चर जरूर पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है। वन पॉपुलर फीचर ऑफ द गोथिक आर्किटेक्चर इज गॉर्गल। अ गॉर्गल इज अ डेकोरेटिव मॉन्स्टर लाइक अ क्रिएचर कर्व्ड आउट द स्टोन एंड पर्च्ड ऑन द रूफ एंड लीजेस ऑफ गॉथिक बिल्डिंग। ठीक है, ये है लिखा हुआ है आपकी बुक पर। ओके फिर तो बाकी आंसर है वो करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे। ओके मैम, बाय 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 मैम।